हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बनाए हैं पुलाव, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए मीठा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम घी, क्योंकि घी पुलाव में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ही घी चाहिए। देखिए घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे काजू। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो घी जल जाएंगे और काजू भी जल जाएगा। मीडियम फ्लेम में ही धीरे धीरे इसे पकाना है। जब तक काजू का कलर चेंज नहीं होगा हम इसे पकाएंगे। देखिए काजू अच्छे से भून गए हैं और इसका कलर भी एकदम बढ़िया हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम भूनेंगे किशमिश। किशमिश को भी कम फ्लेम में ही भूनना है। जब तक किशमिश फूले फूले नहीं होंगे तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। किशमिश में भून गए हैं, अब हम किशमिश को भी निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे खड़े मसाले, जो कि पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें मैंने डाला तेजपत्ता, अब डाल देंगे जीरा। अब थोड़े से खड़े मसाले, जैसे दालचीनी, 2-4 लौंग, थोड़ा सा सहजीरा, थोड़ा सी एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, इसे भी थोड़ा देर भून लेंगे। देखिए हमारे खड़े मसाले भून गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। सारे मसाले अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल। देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, हम इसमें डालते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने बासमती चावल का यूज किया है। चावल को 1 घंटा तक पानी में भिंगो कर रखा है। अब हम डाल देते हैं चावल को। हमें एकदम हल्की हाथों से भूनना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। आप पुलाव बनाने के पहले चावल को 1/2 घंटा तक कम से कम जरूर पानी में भिंगो कर रखें। देखिए चावल हमारे भून गए हैं, मैंने चावल को 1 मिनट तक भूना है। चावल भूनने से चावल अच्छे पकते हैं और खिले खिले बनते हैं। पुलाव में का भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। हम जिस कप से चावल नापते हैं पानी भी हमें उसी कप से डालना है। जितना आप चावल लेंगे उसका दोगुना पानी डालना है। जैसे मैंने यहाँ 2 कप
चावल लिया है तो हम यहाँ 4 कप पानी डालेंगे। हम पुलाव को ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। जब पुलाव में थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा तब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमें अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और एक बार चला लेंगे। देखिए अभी सारा पानी नहीं सूखा है, इसमें थोड़ा बहुत पानी है। और इसमें डाल देते हैं वो काजू और किशमिश जिसे हमने भून कर रखा था। और थोड़ा सा 1-2 धागा केसर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, नहीं डालने से भी कोई बात नहीं। कर पकाएंगे। हम फिर से चेक कर लेते हमारा पुलाव बना है या नहीं। देखिए पुलाव हमारा बनकर तैयार है। मात्रा में डाल देंगे चीनी का बूरा। आपको मीठा पुलाव नहीं चाहिए तो आप इसमें नहीं भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ी देर तक पुलाव का ढक्कन ढक। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे सर्व करते हैं। चलिए दिखाते हैं आप सबको कितना बढ़िया टेस्टी और स्वादिष्ट पुलाव बने हैं, एकदम खिले खिले। देखिए एकदम खिले खिले और सुंदर पुलाव बने हैं, चावल भी बिल्कुल नहीं टूटे हैं। इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश करते हैं। आप भी एक बार ऐसे पुलाव बनाकर देखें, ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बनते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इस पुलाव को जैसे कोई भी पनीर की रेसिपी, वेज नॉन वेज या तड़का रायता के साथ सर्व कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। ये सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।